अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी मींस शोभा जात के बायोलॉजी के क्या क्या कैरियर्स हैं, फील्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। द टॉप मोस्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी विच इज कॉल्ड MBBS। MBBS मीन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS की जो कम्प्लीट स्टडी होती है वो मेडिसिन एंड सर्जरी की होती है। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। मीन्स कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी सर्जरी करके कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो सारी की सारी स्टडी सर्जरी में आती है। इन मेडिसिन नाउ इसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन के थ्रू किया जाता है कि किस तरह से उसको क्योर करना है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं लाइक करते हैं इस फील्ड को, और FSC प्री मेडिकल के बाद वो इस फील्ड में आते हैं एंड देन स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। द नेक्स्ट फील्ड इज फिशरीज। इट इज़ आल्सो अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी। देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। सो बेसिकली दे सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशेज में बेसिकली स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट होते हैं वो किस तरह से फिश प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए वर्क करते हैं, कि किस तरह से फिश की अमाउंट को इंक्रीज किया जाए, डिफरेंट फिशेज को प्रोड्यूस किया जा सके फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी। द नेक्स्ट फील्ड इज एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द क्रॉप्स, फूड्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। सो बेसिकली एग्रीकल्चर की जो सारे मेंबर्स होते हैं उसको कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा। बेसिकली एग्रीकल्चर में काम किया जाता है फॉर एग्जांपल राइस, वीट एक्सेट्रा की बेटर डेवलपमेंट के लिए। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज विच ऑफर्स प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। सो द नेक्स्ट फील्ड इज एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल एटसेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली एक एनिमल को लेते हैं, उस पर सर्च करते हैं, उनकी डिवेलपमेंट को चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इस ब्रीडिंग की किस एनिमल से करवाई जाए। बेसिकली चेक किया जाता है कि किस तरह से ब्रीडिंग करवा के अच्छे एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा सकें। सो प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। सो द नेक्स्ट फील्ड इज हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज and for the productions of new varieties of ornamental plants. Basically, horticulture के एक better development की जाए flower की, कि किस तरह से हम flower की better production कर सकते हैं। इसमें जो horticulturist होते हैं वो ये work करते हैं कि किस तरह flower को enhance कर सकें। ऐसे students जो FSC pre-medical को करते हैं with good marks, वो इस profession को adopt कर सकते हैं। So the next field is farming. It deals with development and maintenance of different types of farms. For example, in some farms, animals breeding. Animals breeding technologies are used for the betterment protein and milk source.
So in poultry farm chicken and eggs are produced. Basically farming में हम different farm में work करते हैं. So the next field is forestry. The professional look after national forest and advise government for growing artificial forest. So forest में ऐसे members होते हैं जो हमारी government को ये inform करते हैं कौन सा area suitable है for plantation of forest के लिए. So the next field is biotechnology. Biotechnology, it is the latest division of biology. It deals with the productions of useful product through microorganisms. Means के basically biotechnologists microorganisms को लेते हैं और उनसे food produce करते हैं. For example, yeast microorganism है, इससे हम produce करते हैं bread. Thank you.